नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय, सत्रि, सानज और ड्यत। देखिए विद्यार्थियों, प्रत्यय है ण्यत और इसका सूत्र है रि हलोर ण्यत। सूत्र क्या है? रि हलोर ण्यत। इस सूत्र का अर्थ है विद्यार्थियों, रि वर्णांत धातु से तथा हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय होता है। वर्णांत धातु से तथा हलंत धातु से ऋण प्रत्यय होता है। देखिए, जिस धातु के अंत में रि हो या फिर जिस धातु के अंत में हल हो, तो उस धातु से कौन सा प्रत्यय लगता है विद्यार्थियों? ण्यत प्रत्यय लगता है। देखिए, और आप लिखेंगे ण्यत का यह शेष रहता है। देखिए, जैसे धातु है क्रि प्लस ण्यत और इससे बन जाएगा विद्यार्थियों कार्यम द्रि प्लस ण्यत, इससे बन जाएगा धार्यम और फिर है विद्यार्थियों रि प्लस ण्यत और ये हो जाएगा हार्यम। ये जो धातुएं हैं तो विद्यार्थियों ऐसी हैं जिनमें अंत में क्या है? रि है रि, और हलंत वाली धातुएं जैसे मृज प्लस ण्यत और ये हो जाएगा विद्यार्थियों मार्ग। क्या हो जाएगा? मार्ग। अब देखिए, चाहिए अर्थ में होता है या योग्य अर्थ में होता है? इसका अर्थ होगा करने योग्य या करना चाहिए, धारण करने योग्य। और देखिए, ये है हरण करने योग्य। क्या है विद्यार्थियों? हरने योग्य या हरण करने योग्य। अब इसमें जब हम वाक्य लगाएंगे, देखिए
करने योग्य या करना चाहिए ये अर्थ निकलते हैं। तो आप लिखेंगे मया मेरे द्वारा कर्मम कार्यम मेरे द्वारा कर्म करना चाहिए, क्या हो जाएगा मया कर्मम कार्यम मेरे द्वारा कर्म करना चाहिए। फिर देखिए यह है धारण करने योग्य में मया रेतम धार्यम और ये है विद्यार्थियों मया पुस्तकम हार्यम। इस प्रकार विद्यार्थियों आपसे या तो कोई वाक्य पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए कौन सा प्रत्यय, तो आप ध्यान रखेंगे जिस धातु में अंत में रि हो या फिर हल हो उसके बाद यदि यह मिल रहा है आपको तो आप बता देंगे कौन सा प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय है। यही सूत्र है विद्यार्थियों हमारे सिलेबस में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए प्रत्यय विद्यार्थियों सप्ती व सानत और इसका सूत्र है लटह सत्री सानचाव। लटह सत्री सान चाव लटह सत्री सान चाव प्रथमा समानाधिकरणे
प्रथमा समानाधिकरणे देखिए इसका अर्थ है अप्रथमांत या अप्रथमांत अर्थात द्वितीयांत आदि पदों के साथ अर्थात द्वितीयांत आदि पदों के साथ यदि लट का अधिकरण हो तो यदि लट का अधिकरण हो तो यदि लट का अधिकरण हो तो लट के स्थान पर लट के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं अब देखिए आप लिखेंगे सत्री प्रत्यय का अर्थ शेष रहता है सत्री प्रत्ययांत शब्द के रूप पुल्लिंग में पठक की तरह स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं ठीक है विद्यार्थियों जैसे पट धातु से यदि आप सत्री लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा पठत और फिर इसके रूप चल जाएंगे पठम
पठन्ति पठत। इस प्रकार से विद्यार्थी तीनों लिंगों में रूप चल जाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आगे लिखेंगे विद्यार्थियों सानज प्रत्यय का आंशिक रहता है। और देखिए सानच प्रत्ययांत शब्द के रूप पुल्लिंग में राम की तरह स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में और नपुंसक लिंग में ग्रह की तरह चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों जैसे एक धातु है, एक धातु से यदि हम सानच लगाते हैं तो आन बचता है और ये हो जाता है आपका एक मान। क्या बन जाएगा? एध मान। और विद्यार्थियों जब एध मान बन जाएगा ये तो हो गया शब्द, और जब इसके हम रूप चलाते हैं तो रूप चलते देखिए पुल्लिंग में हो जाएंगे एधमाना। क्या हो जाएंगे? एधमाना। और स्त्रीलिंग में एधमाना और नपुंसकलिंग में
साथियों ये हो जाते हैं। अब देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्या कि सत्री और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। सत्री और सानच की कौन सी संज्ञा होती है? सत। सत्री और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। देखिए जब आप कोई ऐसी धातु देखते हैं जो आत्मनेपद हो और आत्मनेपद जो धातु होती है उसमें अगर सानच प्रत्यय लग जाता है तो आपको पीछे देखना है, या तो उसके पीछे आन होगा और या फिर क्या है मान होगा। ये दो शब्द अगर आपको मिल जाते हैं इसके पीछे चाहे दीर्घ आ हो विसर्ग हो या फिर मकार हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आन या मान मिल जाए किसी आत्मनेपद धातु में तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सानच प्रत्यय है। और अगर किसी परस्मैपदी धातु में परस्मैपदी जो धातु होती है उसमें अगर सत्री मिल जाता है तो सत्री में क्या शेष रहेगा? या तो देखिए नाम मिलेगा या फिर पठत की तरह, तो जैसे भी है आपको पहचान लेगा। अब देखिए अब बात आती है जो पाठ्यक्रम के अनुसार हमसे क्या पूछेगा, इस प्रत्यय में से हमसे पूछेगा के वाक्य बनाइए। अब देखिए एक सूत्र और है इसका, उसको लिख लेते हैं। आने मुख, कौन सा सूत्र है? आने मुख। ये सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों कि आन परे होने पर अदंत अंग का अवयव क्या कहता है? आन परे होने पर अदंत अंग का अवयव मुख आगम होता है। आन परे होने पर अदंत अंग का अवयव मुख आगम होता है। जैसे आप मान लीजिए एद धातु से, देखिए ये तो हो गया सप और इसके बाद क्या है आपने सानच लगाया तो आन बचा, और इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से मुख आरंभ होकर
प्लस मुक प्लस आन, यह स्थिति बनती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम सत्री प्रत्यय से बनाते हैं, तो देखिए आप बनाएंगे जैसे अध धातु से सत्री करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आदत, और जब इसको इस पुल्लिंग में करेंगे तो अदन हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में करेंगे आदती बन जाएगा, और उसमें नपुंसक लिंग में आदत बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आप करेंगे भू धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा आपका भवत, तो ये है पुल्लिंग में भवन, स्त्रीलिंग में भवती और नपुंसक लिंग में भवत। इस प्रकार से बना लेंगे, और फिर उसके बाद क्या है देखिए, रुद्र धातु है विद्यार्थियों, इसमें सत्ती लगा देंगे तो ये बन जाएगा रुदत, तो देखिए ये हो जाएगा रुदन, रुदती और रुदत। इसी प्रकार से विद्यार्थियों पठन है, गम धातु से बनाएंगे आप तो गम से बन जाएगा आपका सत्ती लगा के गच्छत, और आग के गच्छन, इस प्रकार से ये पुल्लिंग का बन जाएगा, ज्यादातर पुल्लिंग ही पूछते हैं। अब वाक्य बनाएं,
तो वाक्य बना लेंगे आप सहा गच्छन पठति, वह जाते हुए पढ़ता है। फिर देखिए दूसरा वाक्य है मई गच्छति सति पिता आगतः। दूसरा वाक्य है मई गच्छति सति पिता आगतः। मई गच्छति सति पिता आगतः, कि मेरे जाने पर पिता आए। इस प्रकार से ये वाक्य बना लेंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थियों जो सानच होता है, सानच के भी बन जाते हैं वाक्य। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए सानच जो प्रत्यय है, इसमें देखिए जैसे हम पंच धातु से यदि सानच लगाते हैं तो ये बन जाता है पच मान, और जब इसके रूप चलाएंगे देखिए पुल्लिंग में हो जाएंगे पच माना, स्त्रीलिंग में हो जाएंगे पच माना, और नपुंसक लिंग में हो जाएंगे पचमानम। ठीक है विद्यार्थियों, या तो आन मिल जाए या मान मिल जाए, किसी भी आत्मनेपदी धातु में आपको पहचान लेना है। तो देखिए वाक्य है गौरी भोजन पकाती है। आप लिखेंगे गौरी भोजनम पचमानास्ति। एक बात ये पूछेगा आपसे प्रत्यय के आधार पर आपको बना देना है। ऐसे ही देखिए और भी हैं जिनमें आप एक रचना अनुवाद को हम खरीद लेंगे तो उसके अंत में दे रखे हैं विद्यार्थियों ये सभी। दूसरा वाक्य इसका सखी सयाना अस्ति। क्या वाक्य है? सखी सयाना अस्ति। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। आगे के जो प्रत्यय हैं उनको हम आगे वाले उदाहरण पढ़ेंगे।